काफ़ी सारे ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर मल्टी कलर के जो फ्लावर है वो पाए जाते हैं। इसी तरह से हमारे कपास के पौधे के अंदर भी तीन कलर के अलग अलग जो फ्लावर है वो पाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में जानें कि आखिर में ये जो कपास के अंदर तीन कलर के फ्लावर होते हैं इनके पीछे क्या हमारा जो वैज्ञानिक लॉजिक है, और ये जो फ्लावर है वो हमारी गुलाबी सुंडी को रोकने के अंदर भी मदद करेंगे। तो हम पूरा आज की इस वीडियो में आपको ध्यान से सुनना है कि आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इन्हीं फ्लावर की वजह से जो हमारी गुलाबी सुंडी है वो हम उनकी जो रोकथाम है वो कर सकेंगे। साथ ही आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके जो पैसे हैं वो हम किस तरीके से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो कपास के पौधे के अंदर पांच तरह की जो स्टेजें हैं वो पाई जाती है। अगर हम इन स्टेजों को समझ लेते हैं तो हमें पूरा का पूरा जो पौधे का जीवन काल है वो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारी स्टेज होती है फ्लावरिंग अवस्था। जो पहली बार जो पौधा है वो फ्लावर जब देता है तो वो सफ़ेद कलर का होता है। वो जो सफ़ेद कलर का फ्लावर है, आप नोटिस करना जो भी कपास की खेती करते हैं, तो आप थोड़ा सा इस बार ध्यान से जरूर देखना कि 24 घंटे के अंदर वो जो सफ़ेद फ्लावर है वो हल्का सा पीला होना स्टार्ट हो जाता है। सफ़ेद जो फ्लावर होता है वो कपास का जो पौधा है वो समय पर परागण की क्रिया, जिसे आप पोलिनेशन वगैरह बोल देते हो, वो करता है। इसे किसी भी तरह की जो पोलिनेशन करवाने के लिए एक्स्ट्रा ज़रूरत है वो नहीं पड़ती। ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप हम इसे बोल सकते हैं। उसके बाद में जो पीला कलर है वो 3 से 4 दिन के बाद में हल्का सा गुलाबी हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो टिंडे का निर्माण है वो होना स्टार्ट हो जाता है। सफ़ेद कलर का जो फ्लावर है वो येलो के अंदर चेंज हुआ, 3 से 4 दिन के बाद में वो गुलाबी रंग के अंदर चेंज हुआ। गुलाबी रंग का जो फ्लावर है वो अगर जड़ेगा तो हमारा जो टिंडा है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे फार्मर हैं जो फूल जड़ने के बाद में मार्केट की ओर भागते हैं कि हमारी फसलों के अंदर जो फ्लावरिंग है वो गिर रही है। हालांकि वो जो गुलाबी फ्लावर है अगर वो गिर रहा है तो वो पौधा उसे समय गिरा रहा है, क्योंकि अगर वो गुलाबी फूल नहीं गिरेगा तो हमारा जो टिंडे का निर्माण है वो नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान रहे कि जब भी आपको लगे कि गुलाबी जो फूल है वो गिर रहे हैं तो आपको मार्केट की ओर भागने की आवश्यकता नहीं है। फ्लावरिंग गिरने की जो स्टेज आती है वो आप जिसे बोगी वगैरह बोल देते हो, अगर वो गिरती है तब आप उसके लिए जो न्यूट्रिएंट का स्प्रे है वो कर सकते हो। उसके बाद में जब हमारा टिंडा बनने का निर्माण हो जाता है तो पहली स्टेज होगी हमारी सफ़ेद फ्लावर, दूसरी स्टेज होगी हमारा पीले रंग का फ्लावर, तीसरी स्टेज होगी हमारा गुलाबी रंग का फ्लावर जो कि आकर के जड़ जाता है, चौथी यहाँ पर स्टेज आती है कि हमारा जो टिंडा है वो प्रॉपर तरीके के बन चुका होता है और उस टिंडे का जो चारों ओर जो कवरिंग होती है जिसे आप सिकरी वगैरह बोल देते हो तो उसका जो कलर है वो हल्का सा भूरा होना स्टार्ट हो जाता है। पांचवी स्टेज के अंदर जो हमारा टिंडा है वो प्रॉपर तरीके से खुल जाता है और जो रेशा है वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर जो पौधे की पाँचों स्टेज है वो कवर हो जाती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमें जो फ्लावरिंग की सहायता से हम जो गुलाबी सुंडी को है वो आने से कैसे रोक सकते हैं, और आपको यहाँ पर आपके जो पैसे हैं वो इस तरीके से बचे कि अगर आपको ये लगे कि गुलाबी जो फ्लावर है वो गिर रहे हैं तो आपको मार्केट की ओर भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों कपास के पौधे की जो पाँचों स्टेज है वो आपको भली भांति समझ में आ चुकी है। अगर फिर भी आपके कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद किसान साथियों।